जैसो बंदरा कभौ न देखो जैसो देखो आज अपनी नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता इस होली के कार्यक्रम में स्पेशल होली के रंगों के साथ आपके सामने हूं और देखते हैं इस होली में क्या रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। इस रंगारंग कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आइए आपको साथ ले चलते हैं और लोगों से रूबरू करवाते हैं और किस प्रकार की होली में उनको उत्तेजना है कैसे तो आप जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम को होली स्पेशल। आइए चलते हैं कार्यक्रम। आइए जानते हैं होली स्पेशल जो हमारा कार्यक्रम है इसके बारे में। आज होली के बारे में जो व्यक्ति की धारणाएं हैं और कैसे पहले होली मनाते थे और अब कैसे होली मनाते हैं तो उन रोचक तत्वों पे जानकारी देते हैं। हाँ बताइए, आपका शुभ नाम? श्री राम बहादुर मिश्रा। कहाँ से हैं? चंद्रपुरा से जी। बताइए, पहले की होली में और अब की होली में क्या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो पहले चल रही थी और अब होती जा रही हैं, या ऐसी कौन सी भजन संध्या है जो कि छोड़ रहे थे हम उनको अब फिर से पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें लिप्त हो रही हैं? बहुत सी चीज़ें लिप्त हो रही सर। क्या है कि पहले बुजुर्ग लोग हमारे माता पिता जो होते थे उन लोगों की परंपराएं बहुत सी आदमी आज के समय में जुड़ बोली चाहते तो समय नहीं है, ऐसे लोग आदमी जो सो समझ निकाल नहीं पाते उसका, लेकिन फिर भी छूटो मूटो जितना भी हो रहा है उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ना कि कोई छोटे कलाकार हैं, कोई बड़ा ये नहीं है, अभी थोड़ी बहुत अपनी चला रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से होली स्पेशल प्रोग्राम में होली की ऐसी तैयारियां चलती हैं। Yeah.
आइए सामने बैठे दादाजी से जान लेते हैं। मेरा तो उद्देश्य यही है कि परंपरा जो नंदगांव बरसाने से शुरू हुई तो आज तक हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब ये सब लोग साथ दे रहे हैं तो सदा ऐसे ही। हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड इन भागों और कहानियों के लिए तो वैसे ही फेमस रहा है, तो आइए और भी लोगों से जानते हैं। तो बताइए एक ऐसी घटना होली से संबंधित घटना हो जाए प्लीज भाई। राम राम। पहले हमारी सब जनन, हमने 20 साल पहले बाहुड़ी खेली थी, एक जनन की पहले तो हमने बधाई तोड़ी, हम उन सब जने ने बधाई तोड़ी। बे सब जन ने चौकी गाड़ी भर हो गई थी कम से कम, सब जन ने खाई पी। फिर आए एक जैन के, उनके भैया बे नैया कुशवाहा साहब थे, उनके टोरी पपीता उमें पकड़ गए, उमें पकड़ गया, उन्हें लगड़ो वो तन से भगे सो आए भैया रोड पे सो अपने फैसले करने लगे ठेला हेला। चलो हमारे गुरु मार साहब ने सुनी के भी लायका तो होते, पहुँचे सो वहाँ से भी आए सो बोले कह रहे ससुर के हवे थे हमारा, तो चलो अपने अपने घर है। वो तन से भैया भग के वो अपने गए से उन्होंने आराम से पड़ गए। उस दिन से हमने हो ही नहीं खेली डल लगा। कहने का मतलब शैतानी बहुत हुई है, अपने समय में बहुत आनंद किया होली को। होली और अब की होली में कितना अंतर देखते हैं? एक बहुत अरसा आपके साथ अनुभव है। बहुत अंतर है मेरे तो, जड़वा ढोबे करे जड़ वाले जोड़े करे मने आओ और फिर उमें आगी लगावे करे और तो खूब फाग गावे करे जब ढुलक नगर जाए वो आनंद लेवे करे। तो इस आनंद को आप देखते हैं कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के और लोग उसमें सुधार हुआ है या आपके समय में सुधार लग रहा है? सुधार लग रहा, हमें तो अच्छा लग रहा। लाल रंगे डारे हरी रे रंगे डारे हरे रंगे डारे केसरिया ओ बनसीवारे थोड़ा सा और प्रोग्राम को जानकारी रोचक जानकारियों के साथ जोड़ते हैं। रघुराज जी आप देख रहे हैं एक ऐसा माहौल है कि चारों तरफ वातावरण प्रकृति ने भी अपना सौंदर्य बिखेर रखा है और प्रकृति के सौंदर्य के साथ हम सभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मना रहे हैं त्यौहार को। तो इस त्यौहार को आप किस प्रकार से देखते हैं? हम इस त्यौहार को इस प्रकार देख रहे हैं कि जैसे पहले लोगों में प्रेम भाव चलता था, अब वो आजकल के नए युवकों में नहीं है, अब बुजुर्ग लोगों में जरूर है जो आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो आज कम से कम 200-400 वर्षों से लगातार ये भजन गा रहे हैं। जिस स्थान पर अपन बैठे हैं ये गंगवार कहलाता है, ये पूर्व का स्थान है और यहाँ देवता वासवी करते हैं। माननीय हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, दुर्गा जी का बना हुआ है और राजा हरदौल का चबूतरा है। और हमारी जो सोच है उस पर ये है कि एकता और प्रेम सदा जीवन चलाना।